नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है गुरु घंटाल में। मैं प्रखर श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूं, जो अक्सर करंट अफेयर्स में रहता है। इसका नाम है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बगल में अगर आप फोटो देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है नोएडा विशेष आर्थिक जोन, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक जोन। ये हमारे देश भारत में भी है, बाकी यूएसए, चाइना, हर जगह पर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कैटेगरी है, हर देश बनाती है। मैं बिना समय व्यर्थ किए निकल पड़ता हूँ आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहला सवाल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की सरकार एक तरह का स्पेशल आर्थिक क्षेत्र स्थापित करती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशल क्यों होता है, आगे जानते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत सन 2005 में की थी, जब यूपीए की सरकार थी। और इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होने वाले एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी नहीं लगता। मतलब दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होगी, ना उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, ना एक्साइज ड्यूटी लगेगी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भी नहीं लगेगा और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं लगेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। साल 2012-13 में एक आंकड़े आए थे, उसके मुताबिक देश से 1.40 लाख करोड़ रुपए का आईटी एक्सपोर्ट हुआ, जो इससे पिछले साल के मुकाबले, मतलब कि 11-12 के मुकाबले 70% ज़्यादा था। मतलब कि हमारे देश में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको बनाने के बाद जब 2012-13 के आंकड़े देखे गए तो पाया गया कि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे जो एक्सपोर्ट हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले 70% ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया सर्विस सेक्टर पे नंबर वन गए, इसीलिए ये चीज़ हमारे काम आई और हमारे देश को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फ़ायदा भी हुआ। सरकार ने आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए 10 हेक्टेयर न्यूनतम एरिया की शर्त को समाप्त कर दिया। आप देखते होंगे पुणे, बेंगलोर, गुजरात, बहुत गुड़गांव, बहुत सारी ऐसी सिटी है जहां पर आईटी सेक्टर बूम पर रहती है और सरकार ने वहां पर आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए पहले नियम रखी थी कि कम से कम वो 10 हेक्टेयर में होना चाहिए। मगर जब सरकार ने देखा कि जो आईटी से उन्हें लाभ हो रखा गया वो इतना ज़्यादा हो रखा गया, तो उन्होंने वो जो 10 हेक्टेयर न्यूनतम एरिया की शर्त थी उसको समाप्त कर दिया। ग्रेड बी और सी श्रेणी के शहरों में ये छूट और भी ज़्यादा है। मतलब कि जो ग्रेड बी और ग्रेड सी के शहर हैं, वहाँ पर जो आईटी की स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और बड़े एरिया में बनाई जा सकती है, क्योंकि हमारे देश को फ़ायदा होगा, हमारे देश की सरकार को फ़ायदा होगा, अपनों को फ़ायदा होगा, अपने लोगों को फ़ायदा होगा। अभी तक हमारे देश में कम से कम 173 स्पेशल इकोनॉमिक जोन काम कर रहे हैं और 386 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। साल 2012-13 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होने वाले एक्सपोर्ट में 31% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो अब आप लोग को समझ में आया होगा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, इसको बनाया क्यों जाता है और इसको स्पेशल कहते क्यों गए। तो प्लीज़ इस छोटे से मगर बड़े इंटरेस्टिंग से वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। जब भी आप कभी भी किसी आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएं तो ज़रूर जानें कि ये आईटी, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो होती क्या है। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।